नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, मैंने कहा था आपको कि यहां पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ या फिर संभावित कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चार संघटक कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, आज के न्यूज कट ऑफ मतलब न्यूज पेपर में भी एक हेडलाइन देखने को मिली, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या रह सकती है कट ऑफ, इस एडमिशन प्रोसेस में क्या समस्याएं आई हैं अब तक, और आने वाले समय में किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, कितने फोरम लगे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आपके लिए चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आप सवाल करते रहें, जवाब आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, बात करते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। देखो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अवेलेबल करवा दिया था कि किस कोर्स में कितने फोरम लगे हैं। तो ध्यान रखें, महाराजा कॉलेज में यहाँ पर कितने फोरम लगे हैं, महारानी कॉलेज में कितने फोरम लगे हैं, कॉमर्स कॉलेज में कितने फोरम लगे हैं और राजस्थान कॉलेज में कितने फोरम लगे हैं, किस कोर्स पर, इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो आपको देखने को मिल जाएगा, इसको तो आप देख लेना आराम से भी, आपका कोर्स कौन सा है, उसमें कितने फोरम लगे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, इसकी जानकारी भी मैंने आपको हर कॉलेज का अलग अलग वीडियो अवेलेबल करवा रखा है कोर्स वाइज, उसको देख लेना भैया, तो कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखो, आज आया यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की यूजी की 7,000 सीटों पर मिलेगा दाखिला, सेमेस्टर सिस्टम होगा शुरू। तो ध्यान रखें, इन चारों कॉलेजों में सेमेस्टर रहने वाला है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। पहली मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 10 जुलाई को लिस्ट आएगी, वीडियो भी अवेलेबल करवा दिया था उसको लेके भी। देखो, टोटल आवेदन हुए हैं भैया 7,000 सीटों पर 27,531। अब 20,000 लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे इस रेस से। एक चीज और बता देता हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी का ट्रेंड यह रहता है कि हर हर साल मतलब कि आपके 10 से 20% सीटें बढ़ती रहती हैं। इस बार भी छात्र नेता भी मांग करेंगे और अकेडमिक से भी मतलब कि निवेदन रहेगा कि वैसे भी मतलब कि वो बढ़ाने का प्रयास करें, और बढ़ेंगी भैया, बिल्कुल बढ़ती है, ध्यान रखें, है ना। और किस कोर्स में कितने फॉर्म आए, यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान कॉलेज में बीए में 5,549 फॉर्म आए हैं, कॉमर्स कॉलेज में यहाँ पे बीकॉम में 2,190 फॉर्म आए, बाकी अलग अलग मैंने आपको बताई दिया, उसको देख लेना आप। तो ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। अब चलते हैं उन चीजों को लेकर जो आपकी कट ऑफ से रिलेटेड बात होने वाली है। तो ये राजस्थान कॉलेज जयपुर है जिसका 2021-22 का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो, आप कहेंगे कि 2022-23 का कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो एक चीज आपको बता दूंगा। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार बहुत देरी कर रही है एडमिशन में, उसका कारण है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लग रहा है ना, इस कारण से यूनिवर्सिटी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं कर पाई है, लेकिन पहले ही कह दिया गया था कि 5 जुलाई तक सिलेबस आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। प्रोस्पेक्टस की बात करूँ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी नहीं आया 2023-24 एडमिशन का, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस साल कौन कौन से कोर्सेज करवाने वाली है, क्या फीस रहने वाली है, क्या हॉस्टल फीस देने वाली है, इसको लेकर भी प्रोस्पेक्टस अभी आया नहीं है, पिछला ही चल रहा है। तो जो अभी प्रोस्पेक्टस आएगा ना 2023-24 का, उसमें आएगी कट ऑफ 2022-23 वाली की, और ये जो 21-22 वाली जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, ये 2022-23 वाले प्रोस्पेक्टस में देखने को मिली है। वो सारी मैं सभी कॉलेजों के यहाँ पर लेके उपस्थित हूँ, ध्यान रखें। राजस्थान कॉलेज की कट ऑफ आप देख लीजिए भैया, एबीए पास कोर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 94% जनरल की रही थी, एक बार कट ऑफ देख लीजिए आप ना, सब्जेक्ट वाइज ऑनर्स से भी दिया हुआ है, एसएफएस इवनिंग का भी दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज तो लगभग लगभग यहाँ पे है। अब मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है यहाँ पर, उसका कारण क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार प्रदेश के सरकारी जो कॉलेज है उनमें एडमिशन प्रोसेस लेट हुआ है। ये ध्यान रखो, पहले लगभग लगभग 7 सा ही चलता था, 7 में ही लिस्टें आती थी, लेकिन इस बार क्या है कि इनके एडमिशन पहले भरे गए, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो विद्यार्थी थे जो भरने वाले थे गवर्नमेंट कॉलेजों में, उन्होंने भी इस बार इन कॉलेजों में ट्राई किया है, और अभी विद्यार्थी मन बना चुका है जब उसको पढ़ना है तो अच्छे कॉलेज से पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, तो इसको लेकर यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी आपको ज्यादा देखने को मिली है। इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी कट ऑफ में अंतर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ध्यान रखें। सबसे ज्यादा फॉरम राजस्थान कॉलेज आर्ट्स में ही देखने को मिलते हैं, उसके बाद महाराजा महारानी तो है, कॉमर्स में तो फिर भी कम रहते हैं फॉरम, लेकिन कंपटीशन जो देखा जाता है ना कि महाराजा महारानी की जो फर्स्ट कॉल लिस्ट होती है वो 90-95 से ऊपर ही रहती है, देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी देख लेना भैया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से जनरल में 90-95 के आसपास ही आपको नंबर देखने को मिलेगा, ये कोर्सेज वही बताया हुआ है ना। राजस्थान कॉलेज की आपने कट ऑफ देख लिया है प्रीवियस ईयर, यहाँ पे देख लीजिए भैया आप राजस्थान, यहाँ पे महारानी कॉलेज का है और बीएससी पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स और बीसीए होम साइंस का यहाँ पर कट ऑफ प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, देख लीजिए। बीएससी बायो में यहाँ पे 87.2 में हुआ था, लेकिन बात करूँ 2022-23 में यह 90 से प्लस पे था, ये ध्यान रखो। और देखो, बीएससी मैथ की बात कर रहा हूँ तो 94.2 है, बिल्कुल मैथ में ज्यादा ही रहता है, इस बार तो 95 से ऊपर जाने के पूरे पूरे चांस है, मैथ में ज्यादा फॉर्म लगे हैं, देख लेना आप ना।
ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के थोड़ी सी कम रह जाती है, और इस बार मतलब लेकिन ये ध्यान रखें इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई अंतर नहीं आने वाला है, यहाँ पे बढ़ेगी कट ऑफ, है ना। एस सी एस टी का थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, ये ध्यान रखें। कुछ कोर्सेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर इसके बाद में, ये महारानी कॉलेज का आर्ट्स फैकल्टी का है, देख लीजिए भैया, बीए पास कोर्स की 96.40 है फर्स्ट लिस्ट। अब जो विद्यार्थी कहेंगे कि इतनी भी कट ऑफ जाती है क्या, बिल्कुल जाती है भैया, ये देख लीजिए, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कम तो बहुत कम चांस है देखने को, मतलब इतनी तो जाने वाली, इससे नीचे आने के कम चांस है। बाकी होनर्स कोर्स से भी रिलेटेड जानकारी दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, फिर देखते रहेंगे, है ना। ये बात करता हूँ यहाँ पर बीकॉम पास होनर्स की, ध्यान रखें ये महारानी कॉलेज का बीकॉम, क्योंकि महारानी कॉलेज में तो सारे कोर्स अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे डिटेल्स देखो, बीकॉम में 97%, जहाँ पर एक तरफ कहते हैं कि बीकॉम में रुझान नहीं है, लेकिन जब लोग करते हैं तो वो महारानी कॉलेज से ही करने का प्रयास करते हैं, या फिर बॉयज जो है कॉमर्स कॉलेज से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ का अंदाजा आपको लग ही रहा है, कितनी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलती है, ये केवल अंदाजा है भैया कि इतनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि नए जो विद्यार्थी हैं 12th पास वाले, 60-70 वाले, भी उनका भी सवाल रहता है कि हमारा भी एडमिशन हो जाएगा क्या, 80 वालों का भी सवाल रहता है कि हमारा कौन सा लिस्ट में आएगा। लिस्ट के बारे में भी बात करूंगा, कितनी लिस्ट आएगी उसके बारे में भी बताऊंगा ना। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको महाराजा कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है, महाराजा कॉलेज की 2021-22 की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। कहीं पे भी एक चीज ये बता दो, 90 से अधिकतर कोर्सेज में क्या है, 90 से ऊपर है, ये ध्यान रखो। ये पहले 2021-22 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब नहीं आया था, ये ध्यान रखिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उस समय नया नया था, बहुत से कम लोगों ने बनवा रखा था, लेकिन आज के समय में तो ईडब्ल्यूएस सबने बनवा लिया, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, जो भी एप्लीकेबल है इसके लिए। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम नहीं जाएगा, बराबर ही आएगा जनरल के, ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर आएंगे, बिल्कुल भी अंतर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखो। ये देखो बीएससी पास कोर्स मैथ ग्रुप में देखो, जनरल की 96.80 है, ओबीसी की भी 96.80 है भैया, और एससी की भी 94.80 है, कहाँ इतना अंतर है, बराबर सा आ रहा है, तो आने वाले समय में भी यह बराबर सा ही रहेगा, कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एक बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और कॉलेज का, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है महाराजा कॉलेज का, ये देख लीजिए भैया, ये कॉमर्स कॉलेज का है, यहाँ पे बीकॉम कोर्स से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दी हुई है। बीकॉमर्स कॉलेज में कट ऑफ क्या रहती है, ये 2021-22 की आप देख लीजिए, कुछ कैटेगरी में एससी एसटी कैटेगरी की जो है, जहाँ पे मतलब कि सभी का फॉर्म जिसने लगाया उसका हो गया, एसएफएस कोर्सेज में तो सभी का ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे फीस ज्यादा होती है, बीसीए में भी देखो लगभग लगभग सभी का हो गया एससी एसटी कोर्सेज में, तो ध्यान रहे ये कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो था, जो कि पिछला एक अंदाजा वीडियो है, मतलब कि संभावित कह सकता हूँ कि इतनी इससे ऊपर ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे सवाल है कि फर्स्ट लिस्ट आपके 10 तारीख को देखने को मिल जाएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके बाद मतलब की फीस जमा होगी मित्र पर, ऐसे तरीके से यह प्रोसेस होने वाला है। दूसरा फिर बात करता हूँ सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, जब तक सीटें नहीं बढ़ जाए, मतलब कि भर जाएंगी, जब तक सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक लिस्टें देखने को मिलेंगी। 2021-22 में तो भैया 8-9 लिस्ट देखने को मिली थी, पिछले सेशन भी 4-5 लिस्ट देखने को मिली थी, और इस बार भी ठीक वैसे ही लिस्टें देखने को मिलती है। विद्यार्थी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों में एडमिशन को लेकर ट्राई करता है, काफी विद्यार्थी अभी सीयूटी के इंतजार में भी बैठे हैं रिजल्ट को लेकर, वहां पे भी उनका एडमिशन का इश्यू चल रहा है, तो ऐसे मतलब कि काफी विद्यार्थी अलग अलग यूनिवर्सिटी से अभी डिपेंड है, वहां पे भी उनका चल रहा है, काफी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में इशू आएगा, फॉर्म तो लगा दिया लेकिन वो कैटेगरी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, तो काफी विद्यार्थी बाहर भी हो जाते हैं ध्यान रखे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, इसलिए फिर लिस्टें आती रहती है। तो ध्यान रहे चैनल से जुड़े रहेंगे, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, आप सवाल करते रहिए, मैं जवाब लेकर आता रहूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर डेली एजुकेशन अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा अब क्या सवाल चल रहा है, किस चीज का वीडियो आप मांगते हैं यूजी एडमिशन को लेकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज के विद्यार्थी, जिस चीज का वीडियो आपको चाहिए, हॉस्टल का मैंने वीडियो पहले अवेलेबल करवा रखा है कि क्या प्रक्रिया होने वाली है, जब शुरू होंगे फोरम तब आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। ध्यान रखे आपका चैनल है, जैसा आप कहेंगे वैसे चलेंगे, बस सवाल कीजिए, जवाब मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, कैसे भी कहीं से भी लेके आऊँ। ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं एक चीज बार बार बोलते रहता हूँ, ध्यान रखें ध्यान रखें, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि सवाल नहीं रहना चाहिए आपका, अगर मैं आ रहा हूँ तो, अगर सवाल रह जाता है तो फिर से कमी रह जाती है, फिर भी उससे काम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सवाल करते रहिए, जवाब मिलता रहेगा और बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा, कुछ पता है तो भी बताइए, हमें भी बताइए कि हम भी देखें कि क्या कुछ नया हम भी सीख सकते हैं। बहुत से डिफरेंट सवाल होते हैं, बहुत से डिफरेंट कोर्सेज में मैं वर्क करता हूँ, जब आता है नोटिफिकेशन तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे इस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। पहले हम राजस्थान यूनिवर्सिटी पे फोकस करते थे, अब बाकी अदर यूनिवर्सिटी पर भी फोकस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का सवाल हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज को लेकर अलग अलग रहता है, इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी से मेरी वार्ता हो जाए एक बार, और जैसे सवाल उनके हैं उनके जवाब मैं देता रहूँ, तो बाकी लोग भी पता चले कौन कौन से कोर्सेज में अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बीए बीएससी बीकॉम ही जीवन में कोर्स नहीं होता है यूजी का,
बीसीए बीबीए ये कोर्स भी होते हैं, बहुत से और भी कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे चैनल पर आने वाले समय में। तो जो भी अपडेट्स होंगी चैनल पर मिलती रहेंगे, जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके साथ में जो साथी हैं उन तक चैनल को शेयर कीजिए। इसलिए शेयर ना करें कि उनका एडमिशन में कट ऑफ में आपको जानकारी देने में समस्या हो रही है, इसलिए शेयर कीजिए कि आने वाले समय में उनको सूचना मिल सके। थैंक यू।